हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, कुछ अरसे पहले, मतलब एक दो वीडियोस पहले, मैंने आप लोगों के साथ अपनी सईद गनी की वो शेयर की थी शॉपिंग। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली देख लेना कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। उनमें से दो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं अभी आपके सामने पेश करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है। द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम रिव्यूइंग टुडे इज द गोट मिल्क फेस क्लेंजर। Okay, and the second product which I am reviewing today is vitamin C gel. It's not a serum, it's a gel. Okay जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं गोट मिल्क के इस फेस क्लेंजर की। अब मैं इसकी पैकिंग ऑन करती हूँ, ओपन करती हूँ तो ये इस तरीके का निकलता है, ठीक है। और इसका, इसको अगर मैं खोलती हूँ तो ये इस तरीके का क्लिंजर है। ओके, अच्छा, क्लिंजर क्या करता है बेसिकली? आप बाहर जाते हो तो आपकी फेस पर गर्द होती है, गुबार आता है, जो भी आप पॉल्यूटेड हो रही होती है आपकी स्किन, तो ये उस पॉल्यूशन को साफ करता है। सही है, ये जो ये आपका क्लिंजर है ना, ये उसको सिर्फ साफ करता है। हम लोग बहुत मतलब वो कर रहे होते हैं कि क्लिंजर से आप गोरे हो जाओगे या कुछ इस तरह का, आप सुपर कोई एक्टिव, सुपर नॉर्मल कोई ह्यूमन बींग बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ जो आपके फेस का गर्द और गुबार होता है वो साफ होता है, ठीक है। उसके लिए शर्त ये है कि आपके पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ये आपके पोर्स में जमता है, ठीक है। जो क्लिंजर होता है ना, आपके पोर्स से गर्द और गुबार दूर करता है, लेकिन जो आपकी ये वाले थोड़ी पर और जो आपके नोज़ ऊपर पोर्स होते हैं जिसमें वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं, उसको रिमूव नहीं करता। ये वाइट हेड और ब्लैक हेड रिमूवर नहीं है, ओके, इट्स अ मिथ कि, लेकिन ये नहीं करता वो वाले उन चीज़ों को साफ, ये सिर्फ गर्द और गुबार पॉल्यूशन को साफ कर रहा होता है आपकी स्किन से। अच्छा, ये आपको किस तरीके से यूज़ करना है? बहुत सारी दफ़ा हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन सही से यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमें बिल्कुल इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। आपने क्या करना है, सोने से पहले दो दिन पूरा, आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करो किसी भी प्रोडक्ट के, अपने फेस को आधीन नहीं बनाओ, ठीक है। आपने क्या करना है कि सोने से पहले आपने फेस अच्छे से वॉश करना है। अगर मेकअप कर रहे हो तो मेकअप वाइप से या मेकअप जो मेजलिन वाटर होता है गार्नियर वगैरह का, उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से मेकअप को रिमूव करना है, ओके जी। फिर एक्सफोलिएट करना है अपनी फेस को, क्लींस करना है अच्छे से, तो क्लींस करने के लिए ये क्लींजर काम आता है। इसमें क्या करना है, आपने सिंपली आपने इसको यूज़ करना है रात के टाइम पर और अपने फेस पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको रब करना है और 5 मिनट्स के बाद सिंपल टैप वाटर से फेस वॉश कर लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई एम रिव्यूइंग टुडे इज विटामिन सी का जेल। ओके, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये इस तरीके का निकलता है, ये इस तरीके का निकलता है, ठीक है जी, सीधा उल्टा है, ओके, ये इस तरीके का निकलता है, सही है। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करूँ इसके पैक को, तो ये ऑरेंज कलर का जेल है। ये आपको कब यूज़ करना है, आपने लेट सपोज आपने सोने से पहले सबसे पहले क्या करना है, अपना मेकअप रिमूव करना है कोई भी वाइप से या मेजलिन वाटर से, ओके। आपने मेकअप रिमूव किया, उसके बाद आपने फेस को करना है वॉश अब किसी अच्छे फेस वॉश से, उसके बाद क्लींस करना है अपने पूरे फेस को थ्रू अ गुड क्लिंजर। तो मैं क्लिंजर में, अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाओगे तो मैं सईद गनी को ही रेफ़र करूँगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इजीली किस कोई ये फेस का ये विटामिन सी का जेल अप्लाई करना है। जेल किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने जो जो आपका फेस है ना, जहाँ जहाँ आप मेकअप यूज़ कर रहे हो या इस तरीके से इस मोशन में। अच्छा, आपने जब भी कभी रबिंग करनी है किसी भी स्क्रबिंग की या किसी भी चीज़ की, तो इस मोशन में करनी है, इस मोशन में, यूँ रगड़ना नहीं है फेस को, इस मोशन में करनी है ताकि आपकी जो फेस का शेप है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। मोस्टली हम लोगों के फेसेस के शेप्स ख़राब हो रहे थे, चीक बोन्स नहीं दिख रही होती, जॉ लाइन्स नहीं दिख रही होती, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग सही से उसको रब नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो रबिंग करते वक्त आपने मसाजिंग करते वक्त बहुत अच्छे से ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। अच्छा, इसको आपने अप्लाई करने के बाद अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना और सो जाना, सही है। नाइट क्रीम्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नाइट क्रीम्स जो है वो उसके बाद वगैरह, मतलब इससे पहले यूज़ करो। जिस दिन नाइट क्रीम यूज़ करो उस दिन ये विटामिन सी का सीरम यूज़ ना करो।
अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट का अपनी बॉडी को आधी नहीं बनाओ, किसी भी चीज़ का अपनी बॉडी को आधी मत बनाओ, बॉडी को या स्किन को। अगर आदत किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी को या स्किन को पड़ जाएगी तो उसके बाद कोई एक तो सबसे पढ़कर वो कोई और प्रोडक्ट इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि फिर अगर वो डिसकंटिन्यू कर देती है कंपनी तो आपको बहुत मसला होगा, ठीक है जी। अच्छा, बाकी की शॉपिंग की भी मैं रिव्यूइंग करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। सो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।